सबसे पहले आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई जो आपने इस सर्वे को कंप्लीट किया, और मुझे आशा है कि आपके इस सर्वे से बिहार में विकास होगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आपसे एक सवाल है सर, आज हमारे समाज में शिक्षा जो है बहुत बदहाल है बिहार के बारे में। स्कूलों में बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं और टीचर्स भी नहीं हैं। अब ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी बताइए, शिक्षा कैसे सुधरेगा ज़रा बताएं आप ज़रा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। यूनिसेफ भी करोड़ रुपया खर्च कर रही है, फिर भी शिक्षा बदहाल है, टीचर नहीं है प्राइमरी स्कूल में भी। हम सर्वे में ये सब बातें के बारे में जो है शोध नहीं किया है। हमारा जो शोध ये था कि बच्चे जो है कितना हद तक जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और जो है उसमें वो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कितना हद तक हो रहा है और क्या स्किल्स हैं बच्चों का, उसके बारे में हमने जानकारी दी। हमने ये पता नहीं किया कि कौन सा स्कूल में क्या कमी है, वो हमारा सर्वे के बाहर है। सर्वे में कौन कौन से एनजीओ ने काम किया? हम सर्वे में काफ़ी खाली जो है हम पॉपुलेशन काउंसिल जो है जी हम ही खुद किए हैं सर्वे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अच्छा जो है इस तरह की सर्वे हो जाए जिसमें किशोरों के बारे में जानकारी मिले। कितना समय लगा? ये जो है 8 महीना लगा हुआ है फील्ड वर्क करने में, और जो है इस 8 महीने में काफ़ी सारा जो है बच्चों से बात किया है, 10,000 से ऊपर जो है बच्चों से बात किया है जो 10 से 19 साल के बीच में। इस सर्वे में कहीं भी HIV एड्स का जिक्र नहीं किया गया है, HIV के बारे में बिकॉज जानकारी ले लिया जी एडोलेसेंट को कितना जानकारी है वो सब हमने पूछा था। और मैं भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूं और मैंने भी अवेयरनेस किया है एड्स अवेयरनेस के लिए लगभग 10 वर्षों तक अपनी संस्था की ओर से, और मैं रिपोर्टर भी हूं बिहार में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ओर जहां लड़कियां असुरक्षित हमारे समाज में, और मोलेस्टेशन का केस और उसके बाद किडनैपिंग का केस जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिकिंग भी बढ़ रहा है अभी हमारे समाज में, और इस संदर्भ में जो है HIV/AIDS जो है वो हमारे समाज में फैल रहा है लेकिन साइलेंट है, लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है HIV/AIDS के कारण मानव जीवन जो है खतरे में है लेकिन जो है आज हमारा समाज खामोश है। अगर हमने वो इस सर्वे में जो है जी सब बातों के ऊपर नहीं है विचार नहीं किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका विचार की ये जो है जी ये पता किया है कि जो किशोरों में कितनी हद तक जानकारी है HIV/AIDS संक्रमण के बारे में और उसको प्रिवेंट करने में, तो क्या अवेयरनेस है, कैसा अवेयरनेस है? अवेयरनेस है HIV अबाउट HIV एंड AIDS STD इन बिहार? सो मेनी नंबर्स आई हैड टू जस्ट लुक एट बट इट्स वेरी लो अनफॉर्चूनेटली वेरी लो, मतलब नॉलेज जो है थोड़ा सा कम है। व्हाई मैम? इट्स बिकॉज यू नो अवेयरनेस है नहीं, किया नहीं जा रहा है, NGO की ओर से भी नहीं किया जा रहा, जबकि एड्स कंट्रोल सोसाइटी को करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं फिर भी जो अवेयरनेस नहीं हो रहा। एक बात और मैं बता दूं, जो अवेयरनेस करते हैं उन्हें अवेयरनेस भी नहीं करने दिया जाता है, बहुत दुख भरी बात है। वैसा तो देखा जाए तो अवेयरनेस मेरा अनुभव है इसके बारे में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी है जी, खाली ये है देखना पड़ेगा कि वो कितना हद तक जो है गांव-गांव में वो अवेयरनेस प्रोग्राम जा रहा है जी और लोग जो है उसके बारे में जानकारी पा रहे हैं। अभी हमारा सर्वे बताता है कि आधे बॉयज में जो है जो 15 से 19 साल के बीच में जो बॉयज हैं उनमें आधे प्रतिशत लोग जो है HIV/AIDS के बारे में सुना हुआ है जी, और जो है इवन गर्ल्स में प्रॉब्लम यह है कि जो गर्ल्स में उसमें बहुत कम है जो उस तरह की अवेयरनेस, इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके वेरी वेलकम।